नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने एक स्मॉल कैप टाइप कंपनीज के बारे में चर्चा करूंगा। देखिए, तीन तरीके से बेसिकली देखा है तो चार तरीके से कंपनी होते हैं, एक लार्ज कैप, एक मिड कैप, एक स्मॉल कैप, एक माइक्रो कैप। तो हमेशा एक चीज को ध्यान रखना है, देखिए जब कोई भी कंट्रीज का ग्रोथ होता है तब हर कोई कंपनी का ग्रोथ होगा। अभी एक पॉइंट बहुत सारे लोग मुझे ये भी पूछा है कि सर जब निफ्टी भागते रहते हैं तब बहुत सारे मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक भाग नहीं रहा, ऐसे हुआ क्यों? और बहुत टाइम अभी ये भी देखा जाता है कि निफ्टी भाग नहीं रहा मगर उस टाइम स्मॉल कैप मिड कैप भाग रहा है और लार्ज कैप नहीं भाग रहा है। देखिए निफ्टी डिपेंड करके चलते हैं लार्ज कैप के ऊपर, मतलब जो बड़े बड़े कंपनी है जैसे HDFC हो गया, HDFC बैंक हो गया, रिलायंस हो गया, साथ ही साथ TCS हो गया। तो इस तरीके से बड़े से बड़े दिग्गज कंपनीज के भागने के कारण ही निफ्टी का मोमेंटम देखने को मिलता है। तो मिड कैप स्मॉल कैप जो कंपनीज है उसमें निफ्टी के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं है। तो निफ्टी अगर ना भी भागे तो स्मॉल कैप मिड कैप भाग सकते हैं। हाँ, अगर निफ्टी में भारी करेक्शन देखने को मिले, जैसे वॉर जैसे सिचुएशन है, जैसे क्राइसिस जैसे सिचुएशन है, इकोनॉमिकली क्राइसिस जैसे सिचुएशन है, तो इस टाइम में लार्ज कैप से लेकर मिड कैप से लेकर स्मॉल कैप सारे कंपनीज में बिग फॉल देखने को मिल जाते हैं। अभी मेरे इस बातों को कहने का जो मेन मकसद है वो मकसद क्या है कि अगर आपको पैसा बनाना है, मतलब अगर आपको मल्टी बेगर रिटर्न कमाना है तो आपको रिक्स लेना पड़ेगा। तो जो लोग रिक्सी ट्रेडर्स है इस वीडियो को जरूर देखिए। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, मैं कोई सेबी रजिस्टर पर्सन नहीं हूँ, तो मैं कोई आपको टिप्स और ट्रिप नहीं दे रहा हूँ। मेरा काम है इस कंपनी के बारे में जानकारी आपके साथ शेयर करना, आपका काम है आपका जो सेबी रजिस्टर जो एडवाइजर है उसके साथ इस कंपनी के बारे में चर्चा करना, उसके बाद काम करना। तो मैं मेरे खुद के हिसाब से रिक्स लेता हूँ, आप आपके हिसाब से रिक्स लीजिए, सिर्फ वीडियोस को देखिए कंपनीज के बारे में जानकारी पाने के लिए। तो चलो फटाफट देख लेते हैं इस कंपनी का अपडेट क्या है। तो सबसे पहले बता दूं आज के जो कंपनी है वो स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, एक छोटा सा कंपनी है। और दो चीजों को ध्यान रखना, एक सनराइज कंपनी होते हैं, एक सनसेट कंपनी होते हैं। सनराइज कंपनी वो होते हैं जो कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस है, सनसेट कंपनी वो होते हैं जो कंपनी का ग्रोथ हो चुके हैं, अभी वो ग्रोथ धीरे धीरे करके कम हो जाएगा। मगर एक ऐसे सेक्टर भी होते हैं वो सनराइज भी नहीं है, सनसेट भी नहीं है, मगर वो हमेशा कोई भी कंट्रीज का अगर ग्रोथ होता है तो उस सेक्टर का ग्रोथ होगा, वो है बैंकिंग सेक्टर। तो आज मैं उसी से जुड़े हुए एक बैंक्स के बारे में बात करूंगा, जिसका नाम आप यहाँ पे खुद ही देख लीजिए, जिसका नाम है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखिए उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में आज चर्चा करूंगा। तो जो लोग नाम के लिए इंतजार कर रहे थे तो उसके उसको नाम तो मिल गया, आप वीडियो को एग्जिट भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग नाम देखने के लिए आते हैं। तो मैं जरूर कहूंगा जो लोग डीपली रिसर्च करना चाहते हैं, जो लोग कंपनीज के बारे में जानना चाहते हैं, तो वीडियो को कंटिन्यू करिए, क्योंकि मैं कुछ हिडन पॉइंट आपके साथ शेयर करूंगा जो आपको जानना बहुत जरूरी है। तो चलो एक एक पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। फर्स्ट जो पॉइंट्स है कंपनी के वो है कंपनी का ग्रोथ। देखिए बेसिकली दिखाई दे कंपनी का जो ग्रोथ है वो किस तरीके से हो रहा है आप देखेंगे तो नेटवर्क जो है कंपनी का नेटवर्क क्या है। देखिए पहले कंपनी का पिछले साल में 794 टोटल आउटलेट था, मतलब टोटल ब्रांचेस था, अभी वो ब्रांचेस बढ़कर हो चुके 880 टोटल ब्रांचेस है। देखिए पहले बता दूं जो उत्कर्ष जो मतलब स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है, पहली बात। दूसरी बात, एक बहुत ज्यादा छोटा सा कंपनी है, बहुत ज्यादा छोटा सा इसलिए बोला कि स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी आपको इस कंपनी के ऊपर देखने को मिलेगा। हाँ, कुछ चीजें को समझ कर काम करेंगे तो अच्छा खासा ग्रोथ मिलने का चांसेस है। बेसिकली कंपनी 26 स्टेट में कंपनी काम कर रहा है और कंपनी का टोटल एम्प्लॉय 14,000 के आसपास था, 14,700 के आसपास था, आज 16,000 तक कंपनी के एम्प्लॉय बढ़ चुके हैं। देखिए जिस कंपनी का ब्रांच बढ़ रहा है, जिसका एम्प्लॉय बढ़ रहा है, तो क्या कंपनी का ग्रोथ नहीं होगा? बिल्कुल होगा। उसके साथ साथ कंपनी के देखिए ग्रॉस लोन प्रॉफिट, तो लोन प्रॉफिट जो है वो जो 12,500 करोड़ था वो बढ़ के 16,500 करोड़ हो चुके हैं। और लोन जो परसेंटेज है, प्रॉफिट वाइज जो परसेंटेज है, ईयर ऑफ ईयर बेसिस देखिए 30% के आसपास ग्रोथ हो रहा है। तो HDFC बैंक के भी इतना ज्यादा परसेंटेज देखने को नहीं मिलेगा। तो साथ ही साथ आप ये भी देखेंगे कंपनीज 25 था, अभी 35 है। कौन क्या है, शेयर ऑफ सिक्योरिटीज जो लोन है ग्रॉस प्रॉफिट का, वो भी बढ़ता हुआ देखने को मिले। अभी देखिए कंपनी का जो लाइबिलिटीज, देखिए लाइबिलिटीज किसी कंपनीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है, जैसे एसेट भी बहुत इंपॉर्टेंस है, कंपनी के लाइबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंस है। क्योंकि एसेट कंपनी का बैंकिंग के लिए क्या होते हैं, जो लोग बैंकिंग में पैसा रखते हैं, जो लोग लोन लेते हैं, तो वो लोन कंपनी के लिए क्या बन जाता है, एक एसेट बन जाता है, क्योंकि वो लोन का इंटरेस्ट उसको मिलेगा तो एसेट बन जाएगा। और लाइबिलिटी क्या है, जो लोग बैंक में पैसा रखे हैं फिक्स डिपोजिट में, सेविंग में, तो उसको पैसा क्या करना पड़ेगा, उसको पैसा देना पड़ेगा इंटरेस्ट के साथ, वो ही बैंकिंग के लिए एक लाइबिलिटीज है। अभी देखिए डिपोजिट के हिसाब से लाइबिलिटीज के बारे में बात करें तो 15,000 करोड़ के आसपास टोटल डिपोजिट हुआ है। तो देखा जाए तो बेसिकली जो
कंपनी के जो कासा रेशियो है वो कितना है, 68% ग्रोथ हुआ, पहले 60% था। ऑब्वियसली कासा रेशियो किसी भी बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कासा रेशियो का मतलब क्या है, करंट और सेविंग अकाउंट्स में, मतलब हम लोग जो बैंक में करंट और सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करते हैं, करंट अकाउंट में जो लोग बिजनेस करते हैं वो लोग पैसा रखते हैं, सेविंग अकाउंट आम आदमी पैसा रखते हैं सेविंग अकाउंट में, तो वो जो पैसा है वो बैंक उस पैसे को लेकर ही कस्टमर को लोन देते हैं, दूसरों को लोन देते हैं, वहां से वो इंटरेस्ट कमाते हैं। तो जितनी कासा रेशियो ज्यादा होगा, जितने बैंक के पास पैसा आएगा कासा रेशियो के माध्यम से, तो वो बैंकिंग के लिए बहुत ज्यादा तेजी से ग्रोथ होने का चांसेस रहेगा। तो 60% से 68% हुआ, अच्छी बात है। और तीसरी बात, कंपनी का फाइनेंशियल जो परफॉर्मेंस है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको दूसरी पॉइंट यहाँ पे आपके साथ शेयर करूंगा। वो दूसरी पॉइंट क्या है आप खुद ही देख लीजिए, वो है कंपनी के कौन सा स्टेट में कितना कंपनी का प्रेजेंस है। देखिए जो कलर आपको डीप डीप आपको ब्लू कलर दिख रहा है वो कहाँ कहाँ पे है, वो है आप खुद ही देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 50% के ऊपर जो आउटलेट है वो आपको डीप कलर में दिखेगा, जहाँ पे यूपी है, सॉरी बिहार है, उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश है, झारखंड, महाराष्ट्र, तो इस तरीके से जगह पे एनसीटी, दिल्ली, इस तरीके से जगह पे आपको ज्यादा से ज्यादा आपका आउटलेट देखेगा। मतलब आउटलेट मतलब बैंकिंग का जो स्टोर जो ब्रांच है वो आपको दिख जाएगा। तो किस तरीके से ब्रांचेस का ग्रोथ हुआ, देखिए 2022 दिसंबर क्वार्टर्स में 794 ब्रांचेस थे, और आज 2023 के दिसंबर मंथ में 880 के आसपास टोटल ब्रांचेस देखने को मिला। तो अच्छा खासा एक कंटिन्यूसली ग्रोथ होता देखने को मिला है, एक अच्छी बात है किसी भी कंपनीज के लिए। अभी देखिए कंपनीज के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, देखिए कंपनी के जो टेक्नोलॉजी बेसिस सेटअप को लेकर कंपनी काम कर रहा है। देखिए आज बैंकिंग के ऊपर लोग घर बैठे ही बैंकिंग का काम करना चाहते हैं, अब घर बैठे ही ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, साथ ही साथ फंड ट्रांसफर से डिपॉजिट से लेकर सब कुछ घर बैठे ही कर सकते हैं। आपके जितने सारे इंश्योरेंस है, जितने सारे आपका लाइसेंस है, उसको रिन्यूअल करने के लिए भी जो बैंकिंग का लिंक का जरूरत होता है वो घर बैठे ही आप कर सकते हैं। तो अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अगर सही नहीं हो कोई भी बैंक का, तो वो ऑब्वियसली बैंकिंग के लिए खतरा बन सकते हैं। तो फिजिकली कंपनी के जो बैंकिंग का सेक्टर है, तो फिजिकली कंपनी क्या कर रहा है, देखिए 880 ब्रांचेस है जिसके माध्यम से कंपनी सर्विस दे रहा है, साथ ही साथ टैब एनेबल फिट जो ऑन स्ट्रीट जो एक्विजिशन एंड कलेक्शन है, मतलब टैबलेट के मतलब देखिए बहुत सारे ब्रांचेस में क्या होते हैं, कुछ एम्प्लॉयज होते हैं जो टैब लेकर ही आपके घर में आ जाएगा अकाउंट ओपन करने के लिए। तो इसीलिए कंपनी बता रहा है कि टैबलेट के माध्यम से, टैब के माध्यम से कंपनी आपको सर्विसेज भी देते रहते हैं। तो ऑब्वियसली कंपनी का माइक्रो एटीएम भी है, जो माइक्रो एटीएम के माध्यम से आप कैश विद्रॉ कर सकते हैं, बहुत जगह पे आपको माइक्रो एटीएम मिल जाएगा। कभी कभी किसी किसी व्यक्ति घर में ही माइक्रो एटीएम लेकर बैठे हुए हैं जिसके माध्यम से वो फंड विद्रॉ कर सकते हैं। तो बेसिकली कंपनी इस चीजों को ध्यान दिया फिजिकली, और डिजिटली कंपनी बहुत तेजी से काम कर रहा है। जैसे कंपनी खुद के मोबाइल ऐप्स है, इंटरनेट के माध्यम से सर्विसेज उसको मिल जाएगा, साथ ही साथ ई साइन और डिजिटल साइंस के माध्यम से आप केवाईसी कर सकते घर बैठे, मतलब खुद आप अकाउंट ओपन कर सकते घर बैठे। साथ ही साथ डेटा जो लेक है फॉर रेगुलेटरी जो रिपोर्टिंग है, मतलब आपका जो डेटा है वो बहुत सिक्योर के तरीके से वो रखते हैं, इस तरीके से बातचीत यहाँ पे किया जा रहा है। साथ ही साथ ईपीए के माध्यम से ईपीए लाइट भी कंपनी बना चुके हैं, ईपीए लाइट भी कंपनी का बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है। तो एंड टू एंड डिजिटल जो पर्सनल लोन है वो भी आप घर बैठे ही ऑनलाइन के माध्यम से कर सकते हैं, और केवाईसी का माध्यम भी घर बैठे ही आप कर सकते हैं। तो साथ ही साथ रोबोटिक जो प्रोग्रामिंग, ऑटोमेटिक जो इंटरनल प्रोसेस है वो ऑटोमेटिकली सॉल्व करने के लिए कंपनी रोबोटिक सिस्टम भी लॉन्च किया है। तो इतने सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ इसीलिए शेयर कर रहा हूँ कि आपको कंपनी के कोर के बारे में पता चले, कंपनी के डेप्थ के बारे में पता चले। अभी चलो कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स को देख लेते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंस होता है किसी भी कंपनीज के लिए। तो बेसिकली कंपनीज के वो सबसे इंपॉर्टेंस पॉइंट क्या है, कंपनी का मार्केट कैप 6,000 करोड़ का मार्केट कैप है। देखिए कासा रेशियो से 20 के आसपास है, बहुत कम है मैं मान लेता हूँ, मगर पी रेशियो एंड पीबी रेशियो ठीक ठाक है। कंपनी का डिविडेंड, आज तक कंपनी डिविडेंड नहीं दिया। और सबसे इंपॉर्टेंस पॉइंट मुझे जो लगा वो सीआर परसेंटेज एंड आरओई रिटर्न ऑफ इक्विटी, जो बहुत इंपॉर्टेंस है कंपनीज के लिए। आरओसी कुछ ज्यादा हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बैंकिंग के लिए, हाँ आरओई बहुत ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि आरओई रिटर्न ऑफ इक्विटी ही कंपनीज के लिए सबसे बेस्ट पॉइंट माना जाता है। और बेसिकली कंपनी के जो रेशियोज है, इस रेशियोज को ध्यान से देखना, मुझे जो सबसे बेस्ट पॉइंट लगा वो है कंपनी का आरओई, जो एक टाइम 15% के आसपास था, आज वो 22% के आसपास चला गया है। रिटर्न ऑफ एसेट भी देखिए धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ देखने को मिला, 1.7% था, अभी 2.3% के आसपास बन चुके हैं। जो एनपीए है, जो बैंकिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है, एनपीए का मतलब है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब बैंक जो लोन कस्टमर को देते हैं वो कितने लोन नहीं उठा पा रहे, जो लोन नहीं उठा पा रहे उसका उसी लोन को वो
डिफॉल कर देते हैं और उसको एनपीए के हिसाब से वो खाते में लिख लेते हैं। तो एनपीए जितना कम होगा उतना ही बैंक को ग्रोथ करने का मौका मिलेगा। तो पहले एनपीए 0.12% के आसपास था, बीच में 2% चला गया था, आज फिर से वो कम करके 0.39% तक लेके आए। एनआईएम भी बढ़ता हुआ देखने को मिले और पैक रेशियो भी बेस्ट है। कंपनी का सीआर परसेंटेज कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो आरबीआई के रूल्स के हिसाब से 11% के ऊपर होना चाहिए, तो वो कितना है, करीबन 20% के ऊपर। मतलब बेस्ट तरीके से कंपनी का परफॉर्मेंस देखने को मिला। हाँ, एक वीकनेस पॉइंट है, वो है कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी। देखिए कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी बहुत ज्यादा है, मतलब कंपनी जो लोन कस्टमर से लिया जिसको उसको इंटरेस्ट के साथ वापस देना है, तो वो कंपनी के लिए क्या बन गया, लाइबिलिटी बन गया। तो वो लाइबिलिटी बहुत ज्यादा हो चुकी है, मगर फिर भी छोटे कंपनी है, माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, तो इसका लाइबिलिटी तो ज्यादा रहेगा ही कंपेयर टू बाकी अदर्स कंपनी से। तो उस चीजों का आपको ध्यान देना होगा। तो बेसिकली आपको जो पेयर कंपनी है उसके साथ इस कंपनी को कंपेयर करूं तो देखिएगा इस सेक्टर में जितने सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक है उस सेक्टर में कंपनी का रैंकिंग कहाँ पे आया, एटलीस्ट 6 नंबर में खुद का नाम आया और मार्केट कैप के वाइज 6 नंबर में नाम आया। फिर भी देखिए कंपनी का प्राइस आपको एकदम पेनी स्टॉक के हिसाब से मिलेगा, 54 रुपीज। बाकी देखिए कंपनी का पीबी रेशियो ना के बराबर है और बाकी पी रेशियो सबसे बेस्ट है टॉप 5 कंपनी से। और कंपनी का अर्निंग पर शेयर उतना खास नहीं है, मगर आरओसी और आरओई दोनों ही आपको, आरओए भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा। एनपीए भी कम है। हाँ, बाकी कंपनी से कंपेयर करूँ तो उज्जीवन फाइनेंस सेल जो बैंक है तो उसका जो एनपीए है बहुत कम है। बाकी उत्कृष्ट जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है इसका भी एनपीए कम देखने को मिला। सीआर परसेंटेज भी 20% के आसपास देखने को मिले हैं। तो बेसिकली कंपनी का जो पेयर कंपनी है उससे कंपेयर करूँ तो कंपनी का परफॉर्मेंस आपको अच्छा दिखेगा। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर जो फाइनेंशियल डेटा है वो बता दूँ तो 6000 करोड़ का कंपनी है, पी रेशियो एकदम सस्ते में है और बाकी कंपनी की इनकम भी अच्छा हो रहा है, कंपनी डेट भी लगातार लेके चले जा रहे हैं। कंपनी के जो प्रॉफिट एंड लॉस है आप खुद ही देख लीजिए, सेल्स मतलब रेवेन्यूज में कोई भी कमी नहीं है, हर क्वार्टर्स में हर सालों में कंपनी खुद के रेवेन्यू को बढ़ाते चले जा रहे हैं। एक इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट भी कंपनी पेमेंट किया, एक्सपेंस को भी कंपनी पेमेंट किया और उसके साथ 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 नेट प्रॉफिट भी देखिए लगातार बढ़ते चले गए। इस बार भी हाईएस्ट प्रॉफिट जिनरेट होगा इस तरीके से कुछ सिचुएशन देखने को मिला है, क्योंकि 400 करोड़ से 470 करोड़ तक यहाँ पे देखने को मिला है। तो बेसिकली देखा जाए तो कंपनी का परफॉर्मेंस जबरदस्त हुआ। अभी देखिए कंपनी एक साल भी नहीं हुआ तो इसलिए कोई रिटर्न के आंकड़ा आपको देखने को नहीं मिलेगा। बाकी देखिए सेल्स का ग्रोथ एंड प्रॉफिट का ग्रोथ आपको बहुत शानदार दिखेगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपनी का कर्जा, देखिए रिजर्व 36 करोड़ से 1000 करोड़ तक पहुंच चुके सिर्फ के सिर्फ 5 सालों में। इससे बढ़िया बात मुझे इस कंपनी के ऊपर और कुछ देखने को नहीं मिला। और साथ ही साथ बोरिंग्स भी कंपनी के ऊपर लगातार बढ़ते चले गए, बेस्ट तरीके से बोरिंग्स यहाँ पे देखने को मिला। बाकी एक चीज को नोटिस करना, कंपनी के ऊपर जो एसेट है, कंपनी के जो अदर्स एसेट है वो भी देखेंगे तो कंपनी के ऊपर एसेट आपको ये देखने को मिला, कैश जो इक्विपमेंट्स है हाथ में कैश कितना है, 2500 करोड़ के आसपास है। और बाकी एज ए इन्वेस्टर कंपनी छोटा है फिर भी देखिए इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे है, यही बड़ी बात है। तो ओवरऑल कंपनी का परफॉर्मेंस मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। अभी चार्ट पॉइंट्स के बारे में बात करूँ, कंपनी जब से स्टार्ट हो तब से लेकर अभी जिस लेवल में कंपनी ओपनिंग हुआ था उसी लेवल में कंपनी ट्रेड कर रहा है, तो उतना खास ग्रोथ अभी तक नहीं हुआ। तो मुझे लग रहा है अभी से शुरुआत है, इकोनॉमिकली जब इंडिया का ग्रोथ होगा तब इस बैंक सेक्टर का भी ग्रोथ होने का चांसेस पड़ेगा। तो बाकी आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ, मेरा खुद के इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट है, आपको प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे कहने पे मेरे इन्वेस्टमेंट है तो इसलिए आप भी इन्वेस्ट मत करिएगा। आप प्लीज इस कंपनी के ऊपर एक बार रिसर्च करिए और उसके बाद आपके जो एडवाइजर है सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ बातचीत करके काम करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।